सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का आज के इस कक्षा में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए आज हम व्याकरण का पहला अध्याय शब्द और पद का अध्ययन करेंगे। यह शब्द और पद जो है क्लास दसवीं में था पिछले साल तक, परंतु इस बार CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया जिससे कि कुछ चीज़ें जो दसवीं की थी वो क्लास नवीं में भी आ गई, क्लास दसवीं में कुछ अलग चीज़ें आ गई हैं। तो शब्द और पद भी हमारा इस साल से एक नया अध्याय जुड़ गया है इसमें। तो सबसे पहले हम आइए इसका अध्ययन करते हैं शब्द का। शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी एक से अधिक, जैसे आपने लिखा राम, जो आप राम लिख रहे हैं उस राम में आप क्या देखेंगे कि दो वर्ण हैं। जैसे राम, अब इसमें आप इसको अलग कर रहे हैं, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, देखिए यह एक अलग वर्ण, एक अलग वर्ण, सब एक अलग। अब इन्हीं को एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक से अधिक वर्ण है जब हम इनको मिला देते हैं, जब इनको हम मिलाते हैं तो ये मिलने के बाद जो है क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। यह मिलने के बाद जो है शब्द कहलाते हैं। अर्थात शब्द जो है वह क्या है, वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल से ही शब्द की रचना होती है, जैसा कि अभी आपने देखा। शब्द सार्थक वर्ण समूह या सार्थक अक्षर समूह से ही निर्मित होते हैं। इसका ध्यान रखना है कि वर्ण जो शब्द है वह हमेशा सार्थक वर्ण समूह से ही बनता है और वर्णों का वही समूह ही शब्द कहलाता है जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वही जो है शब्द कहलाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्द कहाँ कहाँ से, शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। तो पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में हम करते हैं, चार तरीके से, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार। तो शब्द का यह वर्गीकरण है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर क्या क्या है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये सारी चीज़ें हमें बस समझनी है क्योंकि यह हमारे सिलेबस में इनको पढ़ना, गहराई से नहीं पढ़ना है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है या आने वाली क्लास में आप इसको पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है और विदेशज क्या है। तत्सम, तत् मतलब वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग हम उसी तरह से करते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में करते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव, तद्भव मतलब वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आए परंतु वह बदल गए, परिवर्तित हो गए, वे कहलाते हैं तद्भव। जैसे आग, माता, पिता, सूरज इत्यादि, यह तद्भव कहलाता है। तद धन भव, तद मतलब उत्पन्न हुआ है संस्कृत से परंतु हिंदी में आकर के बदल गया, उसका रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, वही जो रूप बदला है, जो परिवर्तित है वही तत्वों कहलाता है। अगला है देशज, साधारण बोलचाल की भाषा, जो हम अपने मातृभाषा में जिनका हम प्रयोग करते हैं, मातृभाषा में जिन्हें हम बोलते हैं, यह साधारण बोलचाल की भाषा है। संस्कृत, हिंदी, फारसी, मराठी, किसी से लेना देना इसका नहीं है।
बल्कि भारत के विभिन्न भागों में जो प्रचलित बोलियां हैं जिसमें हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं, संपर्क का जो साधन है हमारी मातृभाषा, वही देशज कहलाती है। कुछ प्रचलित शब्द जो देशज हैं, टोपी, खड़ाऊँ, खटिया, लोटिया इत्यादि से बहुत सारे देशज शब्द हैं। गांव में आप जानते होंगे, आप बोलते हैं, आपको पता है कि देशज शब्द क्या है। अगला है विदेशज या विदेशी शब्द। हिंदी की शब्द संपदा बड़ी विस्तृत है, मजबूत है, और हिंदी का जो हृदय है वो बहुत अगाध है। जो भी आता है उसका स्वागत है, आ जाओ। हिंदी ने सबको अपनाया, जो भी हिंदी में आना चाह, हिंदी भाषा में जो भी आना चाह, हिंदी ने सबका सम्मान किया, सबको स्थान दिया और सबको एक अलग परिवार में विभाजित कर दिया। भाई आप तत्सम से हैं, आप तद्भव हैं, आप देशज हैं, आप विदेशज हैं, सबका अलग अलग परिवार बांट दिया और उनको उसी परिवार के अंतर्गत रख दिया। मुख्य कारण क्या था? अलग अलग शासक आते रहे देश में, उनके आने की वजह से क्या हुआ? जब वो लोग आए तो यह भाषाएं, उनके साथ उनकी भाषाएं भी आईं और हम फिर धीरे धीरे उनको बोलते रहे, सुनते रहे, तो कुछ ऐसे शब्द हमने उनको अपना लिए, आज हम उनका प्रयोग करते हैं। तो वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मशीन, स्कूल, स्टेशन, स्कीम, चश्मा, टाइम टेबल, ठीक है, यह शब्द जो हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर चार भेद हो गए, जैसा कि आपने देखा। अब है रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। तो रचना के आधार पे तीन हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या कहलाता है? वे शब्द जिनके खंड नहीं कर सकते। सब्जी खरीदने गए बाजार में, आप देखते हैं भिंडी या कुछ खरीद रहे हैं, तो खरीदते समय क्या देखते हैं? भिंडी को तोड़ के देखते हैं, नरम है कि नहीं। थोड़ा सा आगे से इसे तोड़ते हैं, टूट जाती है तो नरम है, नहीं टूटती तो कहते हैं रूढ़ है। रूढ़ मतलब कड़ी है, टूटती नहीं, खंड नहीं होती है, टूटेगी तो वह अपने साथ रेसे छोड़ देगी। बस ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक वैसे रूढ़ शब्द भाषा परिवार में भी रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनको तोड़ नहीं सकते। और खंड कर भी दिए, तोड़ भी दिए, क्या होगा? उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आपने भिंडी खरीदा घर में, मम्मी पापा बोले जा भिंडी लेके आओ 1 किलो। अब बाजार गए, 1 किलो खरीद के लेके आए। अब जब खरीद के लाए रोड निकल गई, कड़ी निकल गई, क्या कड़ी की सब्जी बनेगी? आप उसको काटोगे तो कटेगी नहीं पहले अच्छे से, कट भी गई तो आपने उसको कढ़ाई में डाल के फ्राई कर दिया, सब्जी बनाया, खाओगे तो वह दांत में, मुंह में जाने के बाद अच्छे से घुलेगी नहीं, है ना? तो पहले तो टूटेगी नहीं, खंड नहीं होगी, खंड हो भी जाएगी तो किसी काम का नहीं रहेगी। ठीक ऐसे रूढ़ शब्द भी हैं, खंड होने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है या स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, रोटी, पानी, चावल, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, स्पष्ट हुआ? वही रूढ़ शब्द जो खंड में ना विभक्त हो, टूटे ना, टूट भी जाए अर्थ उनका कुछ ना निकले। अब दूसरा है यौगिक, योग प्लस इक, इक प्रत्यय का प्रयोग होकर के यौगिक शब्द बना है। यहाँ पे औ की मात्रा रहेगी, गलती से ओ की मात्रा हो गई है। तो यौगिक मतलब जो दो शब्दों के योग से बनता है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक मतलब जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे? अकेले तो ऐसे एक एक मैंने दिखा दिया, इसको तो नहीं जोड़ेंगे, जब दो रहेगा ऐसे तब तो जोड़ेंगे। क्या दो रहेगा? दो शब्द रहेंगे, दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से बने हों और जिनका अर्थ अलग अलग हो,
वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो समास आप पढ़े हैं क्लास 8th में आपने समास पढ़ा था, मैंने आपको समास पढ़ाया, तो समास में आपने देखा ना कि दो शब्दों को जोड़ते हैं, समस्त पद होता है। जैसे आपने कहा देशभक्ति, देशभक्ति का तो देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, दो शब्द, एक तो देश अलग हो गया, दूसरा भक्ति अलग हो गया। देशभक्ति दोनों शब्दों को योग से बना है, एक शब्द हो गया, समस्त पद हुआ देशभक्ति। वह जब उसे हम अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा, देश अलग और भक्ति अलग, वही शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जो समास है, समासिक पद जो है, समस्त पद ही यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला है योग ऋण। योग ऋण वे शब्द जो ऋण तथा यौगिक दोनों की विशेषताओं को लिए होते हैं, अर्थात कि वे सार्थक टुकड़ों में बढ़ते हैं और एक अर्थ विशेष देते हैं। यौगिक शब्द के भी समान होते हैं, रूढ़ शब्द के भी समान होते हैं, और जब टूटते हैं तो एक अलग अर्थ देते हैं। जैसे हमने कहा पीताम्बर बहुव्रीही समास, पीला है अंबर जिसका, दो शब्द, पीताम्बर का यौगिक शब्द है, पीला है अंबर जिसका, पर विशेष अर्थ क्या है? कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या है? पीताम्बर ही धारण करते हैं। वंशी विभूषित करा नव निरद आभा पीताम्बरा तरुण बिंब फला धरोष्ठा, पीताम्बरा अलंकृत, जो पीले वस्त्र से अलंकृत हैं, कौन है? जिसने वंशी को धारण किया है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हें पीताम्बर का, पीताम्बर पहनने के कारण उनके वस्त्र को पीताम्बर कहते हैं। तो यह जो है शब्द योग ऋण के अंतर्गत आता है। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ प्रयोग करने पर केवल एक ही अर्थ निकलता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, पटना, किसी का नाम ले लिए, ठीक है, तो यह जिनका एक ही अर्थ निकल रहा है, राम मतलब राम कह रहे हैं, पटना मतलब पटना है, गंगा मतलब गंगा है, तो यह शब्द जो है एकार्थी। अनेकार्थी नाम से ही पता हो रहा है, जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों उन्हें हम एकार्थी, सॉरी अनेकार्थी कहते हैं। जैसे हमने कहा हार, हार एक शब्द है। हार मतलब क्या? एक तो हार मतलब पराजय, भाई कोई पराजित हो गया, पराजय उसको ही तो वह हार गए बोलते ना, हार गए, पराजय हो गए इनका। दूसरा हार जो गले में फूलों की माला होती है उसे भी हम हार कहते हैं, है ना, माला पहने फूलों की, तो क्या क्या पहने आप भाई, हार है ना, वो हार पराजय वाली नहीं बल्कि फूलों की माला वाली हार है। दूसरा पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, वे शब्द अर्थ में समानता होते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्याय मतलब जो दूसरे अर्थ को बताते हैं, जैसे राजा शब्द कह लिए तो राजा का नृप, नरेश, महीप, विप विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, वे शब्द जिनका प्रयोग हम शब्द के विपरीत करते हैं, जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है, उल्टा कहा जाए कुछ और काम हो कुछ और। जैसे दिन कहें रात, बड़ा छोटा, अज्ञान ज्ञान, सच झूठ, पाप पुण्य, विलोम शब्द आपने पढ़ा है इसको। अब अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दो हैं विकारी और अविकारी। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया इत्यादि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए उन्हें हम विकारी कहेंगे। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो लिंग बदल देंगे तो लड़की पढ़ रही है, लड़का दौड़ रहा है
वचन बदल देंगे तो लड़के दौड़ रहे होंगे, ठीक है। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी भी रूप में कभी भी नहीं बदलते। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, विशेषण, किसी के प्रयोग के माध्यम से हम उनमें बदलाव नहीं कर सकते, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे वहाँ, यहाँ, आगे, पीछे, एक वचन में भी प्रयोग करो तो ऐसे ही वहाँ का वहाँ ही रहेगा, है ना। तुम दोनों वहाँ आओ, वहाँ शब्द जो है क्या है, तुम दोनों वहाँ आओ मतलब बहुवचन के लिए या एक वचन के लिए हर जगह जो है वह उसी रूप में होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहा जाता है। न व्यय इति अव्यय, जिनका व्यय ना हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, लिंग, कारक, पुरुष इत्यादि के द्वारा बंध जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द स्वतंत्र शब्द न रह करके पद कहलाते हैं, अर्थात सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। परंतु जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब जो है विभक्ति, वचन, लिंग, कारक इत्यादि के द्वारा जो बंध जाते हैं वह पद कहलाते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, राम विद्यालय जाएगा, यह वाक्य राम विद्यालय और जाएगा तीन पदों से मिलकर के बना है और व्याकरणिक नियमों के आधार पर बना है। यह वाक्य सार्थक वाक्य है और व्यवस्थित क्रम में है। अगर हम कह दें कि विद्यालय जाएगा राम तो आप सोचेंगे कि वाक्य तो यह भी है, पर शब्दों का जो क्रम है वह व्यवस्थित नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो भी चीज़ें हैं हम उसको व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, सहायक क्रिया, इसके आधार पर जो है वाक्य की रचना होती है। शब्द के प्रकार कितने प्रकार के हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, पद के प्रकार कहाँ कहाँ से पद निकले हैं। जैसे शब्द के आपने प्रकार देखे थे कि शब्द की संरचना कहाँ से हुई, शब्द कहाँ कहाँ से निकले और कैसे कैसे शब्द बने, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, ठीक वैसे ही जो पद है पद कहाँ कहाँ से बनता है, कौन कौन से प्रकार हैं इसके। तो सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये देखिए एक छोटा सा अंतर समझ लेते हैं पहले कि शब्द और पद में अंतर क्या है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि शब्द और पद में अंतर क्या है। जब यह क्लास दसवीं में था यह विषय तो इसमें से दो अंक के प्रश्न आते थे। तो देखिए शब्द वर्णों का स्वतंत्र रूप है और सार्थक इकाई है, लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। दूसरा, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है जबकि पद का व्याकरणिक परिचय होता है। यानी शब्द का जो मात्र अर्थ है वह केवल किसी चीज़ का परिचय देना, जैसे हमने कहा राम तो परिचय दे रहा है ये, पर पद जो है वह व्याकरणिक नियमों के आधार पर बदलता है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम एक अलग शब्द है, विद्यालय एक अलग शब्द है, जाता एक अलग शब्द है। इनको क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बांध दिए, एक साथ इकट्ठा करके रख दिए, वही पद कहलाए। शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों होते हैं, परंतु पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है और सार्थक शब्दों के समूह से ही पद बनता है। पद से लिंग, वचन, कारक इत्यादि जुड़े होते हैं, इन्हीं के आधार पर पद की संरचना होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या हैं। आपने क्लास फिफ्थ से ही संज्ञा पढ़ी है, थोड़ा सा इसके विषय पे एक नज़र डाल देते हैं, पुनरावृत्ति हो जाएगी हमारी। संज्ञा किसे कहते हैं,
किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव इत्यादि का जो बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। कितने भेद हैं आपके सामने दिख रहा है संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कहीं कहीं आचार्यों ने तीन भेद माने हैं, कहीं कहीं आचार्यों ने पांच भेद माने हैं, पर हम संज्ञा के पांच भेद ही मानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम राम, मोहन, सुरेश, पटना, दिल्ली, मुंबई इत्यादि, एक नाम का बोध रहा है इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति वस्तु विशेष की जाति का बोध होता है, जिससे किसी वस्तु व्यक्ति की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने कहा नदी, नदी कहने से बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती सब आ जाएंगी, पर गंगा नदी का तो केवल गंगा ही व्यक्तिवाचक आ गई। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति स्थान इत्यादि के भाव का बोध होता है, गुण धर्म इत्यादि का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, प्रसन्नता, मुस्कुराहट इत्यादि शब्द। अगला है जातिवाचक के दो भेद जो हैं, सबसे पहले द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु द्रव्य इत्यादि का बोध होता है, किसी तरल पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी धातु का बोध हो, किसी तरल पदार्थ का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे घी, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। समूहवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक समूह का, किसी एक समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक समुदाय का, किसी एक समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना का दल, सेना की टुकड़ी, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, कक्षा जहाँ बैठ के अध्ययन करते हैं, आयोग जहाँ पे 10-20 सदस्य बैठते हों, ये सारी चीज़ें जो है भाववाचक संज्ञा के, सॉरी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है अगला सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने, सुनने अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसके लिए प्रयोग हो रहा है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो बोल रहा है सर्वनाम के जिस रूप से बोलने वाले, यानी कि जो वक्ता है, जो बोलता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं छोटा था, यहाँ मैं जो है उत्तम पुरुष है, मैं मतलब श्रेष्ठ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष कहलाया। इसके बाद मध्यम पुरुष, सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है, यानी जो एक तो श्रोता होता है, एक वक्ता होता है और एक अन्य होता है, कोई तीसरा भी सुनता है, तो जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध होता है, जो श्रवण कर रहा है हमारी बातों को, जो सुन रहा है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हारा या आपकी यह घोर तपस्या है, यहाँ पे आपकी शब्द जो है यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तीसरा अन्य पुरुष, सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग बोलने अथवा सुनने वाले के अलावा, बोलने वाले सुनने वाले के अलावा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है, यहाँ पे
तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि तीसरा व्यक्ति जो है वह नवीं कक्षा में पढ़ रहा है कोई है, तो यहाँ पे वह शब्द जो है अन्य पुरुष कहलाएगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह आ रहे हैं या वे मेरे बड़े भाई हैं। यहाँ पे वे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है कि भाई कौन है, कौन आ रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं मतलब कौन जा रहा है, राम मोहन सुरेश दिनेश रमेश कौन जा रहा है पता नहीं, या कहें कि दिनेश जा रहा है रमेश जा रहा है, तो यहाँ पे निश्चय है पर अनिश्चय में कुछ पता नहीं है, इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य के बीच और दूसरे वाक्य के बीच संबंध को प्रकट करें या जो संबंध को बताएं, जिस सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संबंध बता रहे हैं। जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण अवश्य होगा, वह सफल अवश्य होगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे किया जाता है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कौन पढ़ रहा है या वह कौन चिल्ला रहा है, तो यहाँ पे कौन शब्द जो है यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निज मतलब अपने खुद का स्वयं का बोध कराए, दूसरे का नहीं, निज का अर्थ होता है अपना खुद, तो जो सर्वनाम शब्द अपने निज का अर्थ या बोध कराए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मुझे अपना अपराध स्वीकार है, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। यहाँ पे जो अपना शब्द है वह निज खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला है विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है, किसी की जो विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, गुण बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, मोटा, काला, गोरा, दुबला, पतला इत्यादि यह विशेषण कहलाते हैं। चार प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, यह चार प्रकार हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष को बताता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष को प्रकट करता है बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा वह लड़का मोटा है, यहाँ मोटा शब्द गुण बता रहा है, या आज मुझे भोजन स्वादिष्ट लगा, स्वादिष्ट शब्द भोजन के गुण को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण में सर्वनाम दोनों दोष भी होगा गुण भी होगा, गुण भी बताएगा दोष भी बताएंगे, रंग आकार स्थान दशा इत्यादि का जो बोध कराता है। जैसे हम कहें कि वह लड़का बहुत अच्छा है या वह लड़का बहुत खराब है, तो दोनों गुण भी बता रहा है और अच्छा ही बता रहा है बुरा भी बता रहा है। सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक में क्या है, जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, या राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, कुंभ का मेला प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है, या फिर जो अंक बता रहे हैं, गिनती बता रहे हैं, वह जो है संख्या निश्चित संख्या हो रही है ना। 40 बच्चे, कितने बच्चे पढ़ने पूछा जाए तो मतलब 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्द से निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे हम कह दें कि सभी बच्चे अंग्रेजी के विद्वान हैं, सभी बच्चे हिंदी के विद्वान हैं, सभी में कितने, 40, 50, 100, 200, 20, 10, 5, कोई निश्चित नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं, कितने लोग हैं पता नहीं। जहाँ पे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाण बोधक विशेषण, जो जिन शब्दों से हमें किसी परिमाण या मात्रा का बोध हो, जिन शब्दों से हमें किसी परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक, 2 लीटर दूध, 3 किलो आलू, 5 किलो चावल, निश्चित परिमाणवाचक। हमें संख्या पता हो रही है ना, मतलब कितने किलो, 3 लीटर दूध, 5 लीटर तेल। तो अब ये कि भाई संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है, संख्यावाचक गिनती का बोध कराएगा, परिमाणवाचक मात्रा का बोध कराता है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें हम निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खीर में थोड़ी चीनी ज़्यादा है, या दाल में नमक थोड़ा कम है, परिमाण पता चल रहा है थोड़ा या ज़्यादा। सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप उस स्टूल पर बैठ जाइए, या सबके पास तिरंगा है, या पालतू कुत्ता है, या पालतू जानवर है, यहाँ पे यह शब्द जो है यह सर्वनामिक विशेषण है, या आप उस स्टूल पर बैठ जाइए, उस शब्द जो है वह सर्वनामिक विशेषण है। अगला है क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने प्रकार हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कार्य जो हम पूरा कर रहे हैं, यानी जो शब्द किसी कार्य के पूरा होने अथवा पूरा होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब साथ साथ, कर्मक मतलब कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म साथ साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात सकर्मक क्रिया उस वह क्रिया कहलाती है जिसमें जिस क्रिया के साथ कर्म भी होता है। कैसे पहचानेंगे, जब हम प्रश्न उससे करेंगे, जैसे हम कहें कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया कर्ता हो गई, उसको छोड़ देंगे, उसका कर्म क्या है, उड़ना, कहाँ, क्रिया क्या है, आकाश, सॉरी आकाश जो है यह उसका कर्म है, उड़ना उसकी क्रिया है। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक इसमें कर्म है, पढ़ता है इसमें
क्रिया है। प्रश्न अगर करेंगे कि बच्चा क्या पढ़ता है, उत्तर मिल जाएगा जिसका कि पुस्तक पढ़ता है। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में। प्रश्न करने पर उत्तर जहाँ पे मिले वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, और जहाँ पे प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पे नहीं पड़ता है। सॉरी, उसका फल कर्ता पे पड़ता है, कर्म नहीं हो तो उसका फल सीधे कर्ता पे ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा राम हंसता है, अगर बोले कि राम जोर जोर से हंस रहा है तो सकर्मक हो गई, पर राम हंसता है तो इसका कर्म नहीं है। राम तो खुद ही करता है और हंसना उसकी क्रिया है, कर्म का अभाव है, इसलिए यहाँ पे यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं आता है। मतलब विकार मतलब क्या, कोई परिवर्तन नहीं होता है। न व्यय इति अव्यय, जिनका व्यय ना हो वही अव्यय कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनका व्यय ना हो किसी भी परिस्थिति में, व्याकरण के किसी भी नियम के द्वारा, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, किसी के द्वारा बदलाव नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। पांच प्रकार हैं अव्यय के। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय क्या कहलाते हैं? जिन शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता को बताती है या क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी चार प्रकार हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। हमको यह नहीं पढ़ना है। दूसरा है समुच्चय बोधक। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, समुच्चय का चिन्ह होता है। गणित में हम जब पढ़ते थे गणित तो उसमें आता था गणित में कि भाई समुच्चय के माध्यम से हम चिन्ह, समुच्चय का चिन्ह लगा के हम जोड़ते हैं शब्दों को। तो समुच्चय का अर्थ है जोड़ना। वे शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा। दो वाक्य, जो परिश्रम करेगा वह एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जो सभा में भाग लेंगे वह दोषी माने जाएंगे। ठीक है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह हो गया समुच्चय बोधक। दो चिन्ह आपस में, दो वाक्य जुड़ रहे हैं योजक चिन्ह के द्वारा। अगला है संबंध बोधक। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध बताते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, बेतहाशा होटल की तरफ दौड़ रहे थे, तो मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, इसमें जो पीछे पीछे शब्द है यह संबंध को बता रहा है, तो यहाँ पे यह संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। अगला है विस्मयादि बोधक। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय इत्यादि के कारण प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, तुमने यह क्या किया, बस बस अब रहने दो। ठीक है, तो यह हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से हमने देखा कि शब्द और पद क्या हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच।